यह है मेरे हाथ में पानी का बोतल, वो भी 2 लीटर वाला। एनीवेज, जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है गोपाल और आप देख रहे हैं ट्रैवल माय इंडिया, वो भी अयोध्या की गलियों में से। पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखे होंगे हम लोग कैसे कलकत्ता पहुँचे थे और ट्रेन में बैठे थे, और अभी हम लोग आके पहुँच चुके हैं अयोध्या में। तो चलिए देखते हैं अयोध्या हम लोग कैसे पहुँचे। जय श्री राम। अयोध्या के इस पावन धरती पर सबको स्वागत है, और हम आ गए हैं अयोध्या रेलवे स्टेशन पर। अभी जाएंगे गेट के पास, फिर देखते हैं रूम कैसा मिलेगा, और हमें दर्शन देने आ गए हैं भगवान जी। जय श्री राम। अभी ऊपर आ गया तो यह है रेलवे स्टेशन का वेटिंग हॉल। पहली बार ऐसा रेलवे स्टेशन देखा कि ऊपर बैठने के लिए जगह है ना, लेटरिन बाथरूम भी है। वेलकम टू इंडियन रेलवे, वेलकम टू अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन। लिफ्ट भी है, एक्सलेटर तो है लेकिन बंद है ना। तो ये रहा प्लेटफॉर्म, हम लोग निकल चुके हैं, चलो बाहर जाते हैं, उसको कॉल करते हैं। ये वाला जो है नया प्लेटफॉर्म है, उसके अंदर है गिलहरी महाराज, ये भी प्लेटफॉर्म है क्या, जाने का रास्ता है वो भी। साइकिल से पावन धाम, ये देख राम जैसा क्या हुआ है ना, यही नया स्टेशन है। और ये भैया साइकिल से कहाँ से आए हैं, विश्व हिंदू पुलिस बजरंग दादी। आप आए हो? हाँ, नहीं नहीं मैं तो उस बंदा के लिए वेट कर रहा हूँ। अच्छा, आप किधर से? हम ओडिशा से अभी आए। ओके, जय श्री राम। तो अभी रेलवे स्टेशन से बाहर आ गए हैं, भूख भी लगा है, और देखते हैं कहाँ खाने को मिलता है। जो 2-3 दुकान में पूछे तो चावल वगैरह है, लेकिन बैठने के लिए जगह नहीं है। तो देखते हैं कहाँ पर अच्छा जगह मिलता है, वहीं पर खाते हैं। और यहाँ पर है लोटी चौक। तो ये पानी टांगी के पास आए थे, प्रशांत भैया का ये घर है। यहाँ पर एक सिंगल बेड है ना, सिंगल से थोड़ा बड़ा है। और ये वाला देख, बोन कौन नहीं देखो, ये वाला में गद्दा बिछाया हुआ है, छोटा छोटा कमरा, और बाथरूम भी ठीक ठाक है। लोकेशन लेकिन अच्छा है, हम लोग तो सो जाएंगे, आपका बताइए, डरोगे तो नहीं? ये बहुत बड़ा है, उससे भी बड़ा है, ये जिसमें बैठे थे ना उससे भी बड़ा है। अगर यहाँ पर आओगे तो ये देखिएगा, बड़ा फैमिली के लिए भी रूम है इनके पास, लेकिन सब कुछ आके रुक जाता है पैसे के पास। देखते हैं नीचे जाते हैं और बात करते हैं उनसे। One hour later. तो अभी हम लोग घूम रहे हैं अयोध्या के गली पे, हमें रूम मिल गया है और रूम भी दिखाऊंगा। अभी खाना खाने आए हैं, भूख बहुत जोर लगा है तो इसलिए खाना खाने आए हैं। चलो तो इस वाले होटल पे अभी खाना खाएंगे। बात बहुत धूल, मतलब काम चल रहा है ना तो धूल बहुत है, और क्या क्या खाने को मिल रहा है मुझे भी पता नहीं है। ये किशमिश है, किशमिश है ना? हाँ, अच्छा, तो किशमिश भी है, बेच रहे हैं बहुत सारे दुकान में बेच रहे हैं खाना। चलिए अंदर जाते हैं और खाना खाते हैं। तो इस वाले दुकान पे अंदर गए थे, वो ये चाइनीज दुकान है। तो अभी इस वाले दुकान पे आए हैं, यहाँ का सारा दुकान तोड़ दिए हैं, मतलब रास्ते से देखिए 20-25 फीट ऐसा कुछ पीछे कर दिया हुआ है। तो यहाँ पर चावल रोटी खाएंगे, 70 रुपया प्लेट है। सोयाबीन सब्जी दाल अचार बहुत कुछ दे रहे हैं,
बैठने के लिए भी जगह नहीं है, यहाँ पर बैठेंगे और खाएंगे। तो अभी पानी ले लिया, यहाँ से खाना खा लिया और अभी जाएंगे रूम के पास। जैसे जैसे शाम हो रहा है तो भीड़ बढ़ता ही जा रहा है। और हम लोग ये वाला घर में रुके हैं, अभी रुकेंगे 3 दिन। और यहाँ पर शिव जी का छोटा सा मंदिर भी है, राधा कृष्ण का मंदिर है ना, छोटा सा घर में। चाबी किसके पास है? चाबी कहाँ है? कहाँ है चाबी? हम लोग को बोला कि तुम लोग जाओ पहले, फिर ये देखो अकेले तुम, अकेले तुम। चाबी भी रख दिया और आइसक्रीम खा के आ रहा है अभी। कौन बुला रहा? बुला रहा था। तो यहाँ पर जो रूम हम लोग लेके रुके हैं उसी के घर के पास है। ये हमारा भाई मिला हमसे, उज्जवल भाई है। तो ये हम लोग को कल घुमाएंगे थोड़ा बहुत और क्या। ठीक है, मिलते हैं, बुला रहे हैं। तो अभी हम लोग आ गए हैं अयोध्या मार्केट घूमने के लिए नहा धो के। तो थोड़ा घूमेंगे, यहाँ का लोकल फूड ट्राई करेंगे नहीं। यह है धर्मशाला, यहाँ पर कम पैसा में रुकने के लिए मिलता है, बहुत सारा खाना है। लेकिन जय श्री राम। यहाँ पर भंडारा दे रहे होंगे शायद, क्या हो रहा है देखते हैं। महायज्ञ हो रहा है किसी चीज़ का। हाँ तो ये था यहाँ का राबड़ी कुल्फी मलाई, बहुत सारे चीजें बेच रहे हैं, पूजा का सामान। सबके लिए कुछ ना कुछ लेके जाऊंगा। अगर आप लोगों को यहाँ का प्रसाद चाहिए या फिर कुछ भी जो मैं लूँगा देना दे सकूँ तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं कोशिश करूँगा जो कल श्री राम जी का मंदिर जाऊँगा तो वहाँ का भी मंदिर का मिट्टी भी लाके आऊँगा। अभी तो मंदिर के अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, जितना तक कैमरा अलाउड है मैं लेके जाऊंगा। यहाँ पर थोड़ा लाइट है तो देख सकते हैं कैसा मार्केट है। यहाँ पर राबड़ी जलेबी बेच रहे हैं और लोटी चोखा तो फेमस है यहाँ पर। लोटी चोखा हर जगह मिल जाता है, मतलब हर दो दुकान छोड़ के लोटी चोखा मिल ही जाता है। और यहाँ पर भगवान जी का बहुत सारा सामान बेच रहे हैं लोग, और लोग भी बड़े आराम से खरीद रहे हैं, मतलब बहुत पसंद ही कर रहे हैं। वो मंदिर के पास पहुँच गए, अभी जा रहेंगे उस मंदिर के पास। तो उस तरफ है रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन के थोड़ा सा अगर 500 मीटर ऐसा चल के आओगे तो ये वाला गेस्ट हाउस भी मिल जाएगा आपको। और आगे है मंदिर का रास्ता। खाली के वहाँ फोन कर दिया, हो गया है वो नया नहीं, अभी ट्रेन से आया ना। अभी श्री राम जी का टीका भी लग गया मेरे ऊपर। तो आगे जा रहे हैं, अभी एक मंदिर भी है, देखिए कैसा लग रहा है टीका। तो अभी ये लिखा हुआ है राजकीय श्री राम चिकित्सालय मेडिकल है। और इस तरफ मंदिर है ना, तो देख सकते हैं आगे है हम लोग मेन रोड पे, और आगे है
श्री राम मंदिर का मेन गेट, और ये एक मंदिर है बहुत बड़ा अच्छा सा, वहीं पर जाएंगे। ये रहा मंदिर का मेन गेट। तो मुझे यहाँ पर प्रसाद मिला, देख सकते हैं कितना सुंदर मंदिर है। तो मंदिर से अभी बाहर आ गए हैं और पीछे है सिंह द्वार। ये पूरा क्या क्या बेच रहे हैं, ओ हाथ में बांधने वाले धागा है। ये भी एक श्री राम जी के मंदिर के पास जाता है, तो इस तरफ से हम लोग निकल आए। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो पे। थैंक यू। जय हिंद, जय श्री राम।